हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम टू अनदर फ्रेश न्यू व्लॉग। गाइस, हम रेडी होकर निकल चुके हैं इस साल की जमाई षष्ठी द फेमस फेस्टिवल ऑफ बंगाल को एंजॉय करने पापा के घर। हर साल की तरह इस साल भी जमाई षष्ठी सेलिब्रेशन हो रही है मेरे पापा के घर, और उन दोनों ने स्पेशली कॉल करके इन्वाइट किया है हमें, तो इसलिए हम थोड़ा सा यहाँ पे उतरे थे। सुमन जी आ रहे मिठाई लेकर के, और लो जी पहुँच चुके हैं पापा के अपार्टमेंट में। बाहर का नज़ारा इस तरह से दिखता है, और एंट्रेंस के सामने ऐसा है, ये है एंट्रेंस मेन डोर। बाहर जाने का एंट्रेंस एक ही है, और ये तो आप लोगों ने पहले भी काफ़ी बार देखा है, हमारा घर जो है पापा का घर अपार्टमेंट इस तरह से है। और आज जिनके लिए इतना सारा अरेंजमेंट किया गया है स्पेशल, जिनके लिए ये फेस्टिवल मनाई जाती है जमाई षष्ठी बंगाल में, तो वो जमाई यानी दामाद यहाँ पर बैठे हैं। सारा गेटअप आपका अपना जो गेटअप रहता है वो उतार करके गर्मी की वजह से रिलैक्स हो रहे थे सुमन जी। और अभी थोड़ी ही देर में इनकी आरती उतारी जाएगी बंगला में, जिसे कहते हैं बोरोन, और आरती उतारने का सारा सामान रेडी करके रखा हुआ है। मम्मी रेडी हो करके अभी आ जाएंगी और आरती उतारी जाएगी अभी सुमन जी की। उसके बाद खाना पीना होगा, गिफ्ट देना लेना होगा, सब कुछ होगा। तो जैसे आप लोगों ने इससे पहले जमाई षष्ठी यानी दामाद लोगों को बेटी शादीशुदा बिहाई हुई बेटी के माँ बाप किस तरह से ट्रीट करते हैं एक स्पेशल डे में, और ये स्पेशल डे ज्येष्ठ के महीने में आता है, और ये क्यों आता है इसकी हिस्ट्री जमाई षष्ठी की मैंने पिछले व्लॉग में पिछले साल या उससे पहले साल हिस्ट्री इसकी डाली हुई है। पिछले वीडियो में जाकर आप लोग चेक कर सकते हैं जमाई षष्ठी लिख करके। और आज काफ़ी ज़्यादा गर्मी है बाहर में, तो टेम्परेचर का कुछ मतलब पारा इतना ज़्यादा ऊपर उठ चुका है बहुत ज़्यादा गर्मी की वजह से। सुमन जी ने अपने जो कुर्ता वगैरह है खोल करके थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं। यह है स्पेशल रिचुअल ऑफ जमाई षष्ठी, जिसमें कि आशीर्वाद किया जाता है सासू माँ यानी बिहाई हुई बेटी की जो माँ होती है वो दामाद जी को आशीर्वाद करेंगी, और आशीर्वाद के लिए साबुत धान के तिनके लगेंगे, दुर्वा की आवश्यकता होगी, एक दिया जलेगा, फल लगेंगे, कई सारी चीज़ें लगते, कौड़ी की ज़रूरत होती है, सुपारी की ज़रूरत होती है, ये सब दे करके इस फेस्टिवल के सारे रिचुअल्स को कंप्लीट की जाती है। और ये रूम है जहाँ पर हो रही है जमाई षष्ठी की रिचुअल कंप्लीट, और ये यहाँ का भगवान जी का आसन है। और रिचुअल कंप्लीट होने के बाद सासू माँ अपनी दामाद को अपने दामाद को खिलाएंगी मिठाई, पानी भी पिलाया जाता है, तो ये मम्मी पानी पिला रही है इनको। और आज सुमन जी का ही दिन है। बाबा की डाकू गाइस, ये गिफ्ट जो हम लोग लाए थे तो उसको सुमन जी दे रहे हैं। आप लोगों से मैंने पिछले व्लॉग में शेयर किया था कि कतान बनारसी साड़ी मम्मी के लिए लिया गया था, कतान बनारसी, और बनारसी काम किया हुआ कुर्ता पैजामा का सेट लिया गया था मेरे पापा के लिए, और दोनों ही ग्रीन कलर में लिए हैं। ये बॉटल ग्रीन में है और पापा वाला भी ग्रीन ही है, कतान बनारसी साड़ी मम्मी का है। गाइस, आप लोगों को पहले से पता है कि मेरे पापा के साथ सुमन जी की बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग है, और ऐसे लोगों को मैं बहुत पसंद करती हूँ जो अपने बलबूते पर अपनी कैपेसिटी से
अपनी क्षमता पर पूरी ज़िंदगी को बैलेंस करते हैं और सब कुछ जितना भी डेवलपमेंट है अपनी क्षमता से अपनी एबिलिटी से पूरा करते हैं। मेरे पापा ने भी ऐसा ही किया था, सुमन जी भी ऐसा ही कर रहे हैं। ये लोग एक पैसा अपने घर से जायदाद से नहीं लिए। और मम्मी पापा के एक लौते दामाद जी है, ये एक ही है, तो कितने पैम्पर्ड है पता चलता है आप लोगों को देख कर ही। तो इनके लिए ये सब बनाया गया है, अरेंजमेंट किया गया है, खाना जो कि हर इंडिया के और ऑल ओवर वर्ल्ड के फेस्टिवल का मेन पार्ट होता है, क्विजिन, खाना, खाने में क्या बना है। तो आज बना है मटन बिरयानी और स्टार्टर में बहुत कुछ है। स्टार्टर में बैगन की भाजी है, कतला फिश का फ्राई है, कतला फिश, परवल की फ्राई है, उसके साथ है चिकन लॉलीपॉप। मटन बिरयानी के साथ ये रहा स्टार्टर इतना सारा। साइड डिश और मेन डिश में है, मेन कोर्स में चिकन करी, इसके साथ है मूंग दाल से मछली के सिर का एक करी। तो ये बंगाली क्विजन है, मछली के सर से मूंग की दाल की बनाई जाती है, माछेर माथा दिए मूंग दाल। ये है फिश कलिया और यहाँ है आम की चटनी, साथ में मिठाई है और साथ में दही है और उसके साथ में फल है। तो ये सारा अरेंजमेंट है आज के स्पेशल डे का, जो कि सुमन जी के लिए बनाया गया है। दुनिया के बंगाल में जितने भी दामाद लोग हैं उनके लिए ये अरेंजमेंट आज किया जाता है। और मेरे पापा भी बैठे हैं हमारे साथ खाने में। वही जमाई सृष्टि जिसका हर साल आपके साथ शेयर करते हैं, इस साल मेरे पापा और मैंने ये गेटअप चेंज कर लिया है। जो पहना हुआ था मैंने काफ़ी हेवी था, उसको चेंज करके नॉर्मल जैसे घर में रहती हूँ। आप लोग में से जो लोग यूट्यूब फैमिली में बंगालीज और जमाई सृष्टि को एंजॉय कर रहे हैं वो भी अपने एक्सपीरियंस को सब शेयर जरूर करना मेरे साथ।